सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष क्राफ्ट जोन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक छोटे वाला मिक्सर ग्राइंडर घर पे। आपको बहुत मज़ा आएगा इसको बनाने में, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक कांच के जार का, जो छोटी वाली नेस्कैफे की कॉफ़ी आती है उसकी एक खाली शीशी मैंने यहाँ पे लिया। आप चाहे तो प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इसको बनाने के लिए 755 12 वोल्ट डीसी मोटर का, ये मैंने ऑफलाइन खरीदी है 110 रुपये में। आप इसको साइंस प्रोजेक्ट की शॉप से ले सकते हो। दोस्तों, अब हमको इसका ढक्कन निकाल लेना है शीशी का, और शीशी को रख देनी है साइड में। अब हमको उसको बिल्कुल सेंटर में एक होल कर देना है, जिसके अंदर से हम अपनी मोटर की जो शाफ्ट है उसको उसमें से निकालेंगे। तो होल करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सोल्डरिंग आयरन का। देख रहे होंगे दोस्तों, मैं इसके बिल्कुल सेंटर में होल कर रहा हूँ। और दोस्तों, जब मैं होल कर रहा था, जो इसके नीचे कागज़ लगा रहता है वो भी आ गया था, निकल गया है। तो बढ़िया है दोस्तों, काफ़ी अच्छी तरीके से होल हो गया है। अब मैं आपको इसके अंदर मोटर की शाफ्ट डाल के दिखाता हूँ। ये बड़े ही आराम से जा रही है इसके पार। और अब ये बैरिंग है दोस्तों, हमको इस बैरिंग के साइज़ का भी इसके अंदर होल करना है, तो मैं थोड़ा होल को बड़ा कर देता हूँ। और दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को फास्ट मोशन में चला रहा हूँ, वरना काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। देखिए दोस्तों, आपको भी इतना बड़ा होल करना है, मैंने इसके अंदर होल कर लिया है। अब मैं आपको इसके अंदर आपको मोटर भी दिखा देता हूँ डाल के। ये बिल्कुल टाइटली इसके अंदर फंस जाएगी, तो काफ़ी बढ़िया है। बिल्कुल ऐसी आनी चाहिए आपकी भी टाइट। और मैंने इसको स्क्रू से अच्छे से फिक्स कर लिया है। इसके साइड में एक दो होल कर दिया मैंने, और इसके थ्रू स्क्रू पास करके अच्छे से इसको टाइट कस लिया है मैंने। अब हमको लेना है एक पेन, हमको पेन की रिफिल की ज़रूरत होगी। तो अब मैं इस पेन को खोलूँगा, पीछे से उस पेन को मैं खोल लेता हूँ, और इसका जो पिंक वाला रिफिल है उसको निकालूँगा। जो अंदर एक और रिफिल होता है उसको नहीं निकालूँगा, उसकी अभी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमको ये मिल गया है, जो रिफिल को प्रोटेक्ट करती है बॉडी, वो वाली है ये, तो हम इसी को लेंगे। और ये जो हमारी मोटर की शाफ्ट है, इसमें काफ़ी अच्छे से फिक्स आ रही है, बिल्कुल फिट बैठ रही है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और अब हमको उसको जार के साइज़ का काटना है, जितने नीचे हमको उसके अंदर ब्लेड लगाना है। तो मैं आपको जार नाप के दिखाता हूँ, और उतना ही छोटा मैं इसको काट लेता हूँ। तो दोस्तों, इतना मेरे को इसको काटना है, तो मैं इसको कैंची की सहायता से काट लेता हूँ। देखिए दोस्तों, अब मैं इसको बंद करके दिखाता हूँ जार के साथ। अब देखो, मैंने इसके अंदर जार लगा दिया, बिल्कुल परफेक्ट है ये। और अब हमको इसके अंदर सिर्फ ब्लेड लगाना है, और हमारा मिक्सर ग्राइंडर कंप्लीट हो जाएगा। ब्लेड के लिए मैं यूज़ करूँगा शार्पनर का, तो अब हमको इस शार्पनर का ब्लेड निकाल लेना है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ब्लेड और स्क्रू दोनों निकाल लिया, हमको दोनों की ज़रूरत होगी। मैंने आपको जूम करके दिखा दिया है ब्लेड को, और जो ये ब्लेड है इसका स्क्रू इसके अंदर फिट नहीं आ रहा है, तो हम इसको फिट करने के लिए इसके अंदर एक छोटा वाला रिफिल यूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो स्क्रू है उसको ना एक रिफिल में लगा के बंद कर दिया है। दूसरा रिफिल लिया था मैंने छोटे वाला, उसके अंदर इसको लगा के बंद कर दिया है। और जो ये रिफिल है इसके अंदर बिल्कुल फिट आ रहा है, टाइट फंस रहा है, तो हमको ऐसे ही फंसाना है बिल्कुल टाइटली, वरना अगर ढीला होगा तो घूमते घूमते ही नीचे निकल जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमको बिल्कुल इसको बिल्कुल टाइटली लगाना है, और ये भी हमारा बिल्कुल टाइटली लग गया है इसके अंदर। देखिए दोस्तों, अब हमारा मिक्सर ग्राइंडर है वो बनके तैयार है। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ, इसको बंद करके। तो दोस्तों, मैं इसको टेस्ट करने के लिए इसके अंदर डालूंगा धनिया, जो सूखा धनिया होता है, जिसको हम इंग्लिश में कोरिएंडर भी बोलते हैं, वो एक मसाला है, उसको मैं डालूंगा इसके अंदर। आप चाहे तो काली मिर्च या जितने भी मसाले होते हैं, खड़े मसाले, सूखे मसाले, आप इसके अंदर पीस सकते हो।
फिलहाल तो मैं इसके अंदर धनिया का यूज़ कर रहा हूँ पीसने के लिए, और उसको बंद करते हैं और मैं आपको पीस के दिखाता हूँ आपको। तो अब आप इसकी आवाज़ सुनना कितनी पावरफुल है ये। और दोस्तों मैं यहाँ पे इस मोटर को डायरेक्ट करंट दूंगा 18650 लैपटॉप की बैटरी से। आप चाहे तो इसको 12 वोल्ट के एडोप्टर से भी चला सकते हो, या फिर जो बैटरी होती है हमारे पास 12 वोल्ट वाली 7 एम्पेयर की, उससे भी आप इसको चला सकते हो। देखिए दोस्तों आप इसकी आवाज़ सुनो कितनी तेज़ है ये मोटर, कितनी पावरफुल है। आप इसकी आवाज़ सुन के ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी पावरफुल मोटर है ये। अगर आप इसको 5 मिनट चलाओगे तो डेफिनेटली मैं गारंटी लेता हूँ ये मसाला पीस जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी।